बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। हम प्रेमी प्रेम करना जाने प्रेमी। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। इन गानों के जरिए भारतीय फिल्म संगीत के दो गायकों ने वर्षों तक लोगों के दिलों पर राज किया। उनको दुनिया मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के नाम से जानती है। खुदा ही जुदा करे तो करे कोई ताकत जुदा हमको। एक रास्ता तो राही एक जो। दोनों के गुजरे कई दशक हो चुके हैं, लेकिन आज भी अगर बॉलीवुड के दो सबसे प्रमुख गायकों का नाम पूछा जाए तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा मोहम्मद रफी और किशोर कुमार। Nothing is impossible. कहता हूँ मैं सच बिल्कुल। सारे गा मामा सारे गा गा सारे मामा गा रे सा। पहले की तरह आज भी हमेशा इस बात पर बहस होती है कि दोनों गायकों में बेहतर कौन था। एक तरफ मोहम्मद रफी थे जब वो फिल्म संगीत की दुनिया में अपना एक मुकाम बनाने का सपना लेकर मुंबई आए, तब उन्होंने संगीत की बकायदा तालीम हासिल की थी। जो भी हो तुम दूसरी तरफ थे किशोर कुमार जिन्होंने संगीत की कोई तालीम नहीं ली थी। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। लेकिन संगीत की तालीम नहीं लेने के बावजूद संगीत की दुनिया में कामयाबी की गाथा लिख दी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आई रुत मस्तानी कब आए। बेजोड़ आवाज के बादशाह मोहम्मद रफी संगीत की हर विधा में माहिर थे, जबकि बहुमुखी प्रतिभा के धनी किशोर कुमार ने न केवल संगीत के क्षेत्र में बल्कि अभिनय निर्देशन फिल्म निर्माण और पटकथा लेखन में भी अपना विशेष मुकाम बनाया था। जहां तक गायकी का सवाल है तो आरडी बर्मन जैसे संगीतकारों ने किशोर कुमार को तवज्जो दिया, जबकि नौशाद ओपी नैयर मदन मोहन शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकारों ने मोहम्मद रफी को अधिक महत्व दिया। मोहम्मद रफी को हिंदी फिल्मों में ब्रेक देने वाले और उनको बढ़ावा देने वाले संगीतकार नौशाद ने किशोर कुमार से कभी कोई गाना नहीं गवाया। ऐसा नहीं था कि उन्हें किशोर कुमार से कोई बैर था या उनकी आवाज पसंद नहीं थी, लेकिन नौशाद साहब जिस तरह का संगीत देते थे उसके लिए शास्त्रीय संगीत में निपुण गायक ज्यादा अनुकूल बैठते थे। हालांकि नौशाद ने बाद के दिनों में किशोर कुमार से एक गाना रिकॉर्ड कराया था, लेकिन कुछ कारणों से वो गाना फिल्म में नहीं लिया गया। नौशाद की तरह संगीतकार ओपी नैयर भी मोहम्मद रफी की आवाज को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद किशोर कुमार ने अपनी फिल्म रागनी के लिए संगीतकार ओपी नैयर को सुझाव दिया था कि रफी साहब की आवाज में उनके लिए गीत रिकॉर्ड करवाया जाए। ये गाना था मन मोरा बाबरा। मन मोरा बाबरा हालांकि रफी साहब इस गाने को गाने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन किशोर कुमार और ओपी नैयर ने उन्हें वो गाना गाने के लिए किसी तरह राजी कर लिया था। ऐसी ही एक और मिसाल है साल 1969 में आई फिल्म शरारत में किशोर कुमार के गाने को दोबारा रफी से गवाया गया। गाना था अजब है दास्तान तेरी ए जिंदगी। अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी अजब है दास्तां। ये गाना हसरत जयपुरी ने लिखा था और इसे संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। ये गाना पहले किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन जब गाने की रिकॉर्डिंग को किशोर कुमार ने सुना तो वो खुद संतुष्ट नहीं हुए और हसरत जयपुरी से कहा कि इसे रफी साहब से गवाने की गुजारिश करें। हालांकि रफी साहब ने उस गाने को पैसा लिए बगैर गाया। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी अजब है दास। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म हाथी मेरे साथी के एक दर्द भरे गीत की रिकॉर्डिंग का है, जब किशोर कुमार ने गाने की धुन सुनकर कहा कि ये गाना तो रफी साहब ही गा सकते हैं। बाद में इस गाने को रफी साहब ने गाया और वो गाना खूब कामयाब हुआ। गाना था नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में। नफरत की दुनिया को छोड़
प्यार की दुनिया में। ऐसे भी उदाहरण हैं जब कई गाने जो पहले मोहम्मद रफी को गाने थे उन गानों को किशोर कुमार से रिकॉर्ड कराया गया, लेकिन इन बातों का दोनों गायकों में से किसी ने बुरा नहीं माना। राजेश खन्ना की फिल्म आराधना के गाने के हिट होने के बाद जब किशोर कुमार हिंदी फिल्म संगीत के परिदृश्य पर पूरी तरह छा गए तो कई लोग मोहम्मद रफी पर ताने कसने लगे थे, मगर जब किशोर दा को ये बात मालूम पड़ी तो पूरी सख्ती से उन लोगों को रोकते हुए उन्होंने कहा कि मैं रफी साहब की पूजा करता हूँ, इसलिए उनके खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार को पूरी तरह बंद किया जाए। किशोर कुमार जब तक जीवित थे वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि कोई दोनों के बीच तुलना करे या किसी को बड़ा या छोटा दिखाए। ऐसी थी रफी किशोर की अटूट दोस्ती। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोस्ती के इस फर्ज को दोनों ने निभाया। आपातकाल के समय सरकार का साथ नहीं देने पर गायक किशोर कुमार के गीतों को बैन कर दिया गया था, यहाँ तक कि रेडियो टीवी पर उनके गाने तक प्रसारित नहीं किए जाते थे और न ही लोग उनके साथ नए गाने रिकॉर्ड कर रहे थे। जब ये जानकारी मोहम्मद रफी को लगी तो उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात करके किशोर कुमार के गाने पर लगे बैन को हटाने की गुजारिश की, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मान लिया और किशोर कुमार के गाने पर लगा बैन हट गया। इस पूरे वाकये में ये बात खास तौर पर गौर करने लायक है कि किशोर कुमार को गाने न मिलने पर बतौर प्रतिस्पर्धी गायक मोहम्मद रफी को बहुत फायदा हो सकता था, मगर उन्होंने इस मौके को भुनाने के बजाय दोस्ती का फर्ज निभाया। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा सलाम। लेकिन दोनों गायकों के बीच गहरी दोस्ती के बावजूद एक ऐसा मौका आया जब उनके बीच मनमुटाव का लंबा सिलसिला चला और इस मनमुटाव की वजह खुद किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार थे। दरअसल 1966 में आई फिल्म तूफान में प्यार कहा में अशोक कुमार पर एक गाना फिल्माया जाना था। गाने के बोल थे, इतनी बड़ी दुनिया जहाँ इतना बड़ा मेला। इस गाने को लिखा था प्रेम धवन ने और इसे संगीत से सजाया था चित्रगुप्त ने। गाने में आवाज दी थी किशोर कुमार ने, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद न तो अशोक कुमार को गाना पसंद आया और न ही चित्रगुप्त और प्रेम धवन को, क्योंकि अशोक कुमार संगीत में खुद अच्छी पकड़ रखते थे और उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने भी गाए थे, इसलिए उन्हें लगा कि किशोर कुमार गाने के साथ इंसाफ नहीं कर पाए हैं। इसके बाद तीनों ने फैसला लिया कि ये गाना मोहम्मद रफी से गवाया जाएगा। उस वक्त रफी साहब हज करने गए थे। जब वो हज से लौटकर बंबई वापस आए तो खुद अशोक कुमार ने उनके पास जाकर गाना गाने की गुजारिश की, लेकिन ये नहीं बताया कि गाना पहले किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड किया जा चुका है। रफी साहब ने इस गाने को गाया और ये गाना बड़ा हिट हुआ, लेकिन इस वाकये से किशोर कुमार के अहम को चोट पहुंची। इस मामले में उनके अपने भाई अशोक कुमार, चित्रगुप्त और प्रेम धवन चुप रहे। किशोर कुमार बड़े निराश हुए और उन्होंने सोचा कि रफी साहब ने उनके गाने को हड़प लिया। हालांकि किशोर कुमार रफी साहब से कहीं अधिक अपने बड़े भाई अशोक कुमार और गीतकार संगीतकार से खफा थे। इस बात से किशोर कुमार काफी समय तक खफा रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी नाराजगी खत्म हो गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों गायकों ने एक साथ गाना गाया। ये गाना था 1969 में आई फिल्म प्यार का मौसम का। गाना था तुम बिन जाऊं कहां की दुनिया में आके। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके। उस समय एक बार फिर ये बहस छिड़ गई कि इस गाने को किशोर कुमार ने बेहतर गाया या रफी साहब ने, जबकि सच तो ये था कि इस गाने को दोनों ने ही शानदार गाया था। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके। लेकिन इस साल का फिल्मफेयर अवार्ड किशोर कुमार के खाते में आया था। आपको तो पता होगा कि कैसे किशोर कुमार फिल्म आराधना में गाए गाने के जरिए लोकप्रियता के मामले में मोहम्मद रफी से आगे निकल गए थे। चलिया तू चलिया
मेरे सपनों की रानी कब आए। इसकी एक वजह तो आरडी बर्मन को बताया जाता है, जिन्होंने अपने पिता एसडी बर्मन के बीमार होने पर उस गाने को किशोर कुमार से गवा लिया, जबकि उनके पिता उस गाने को मोहम्मद रफी से गवाना चाहते थे। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई। आराधना के बाद किशोर कुमार का वर्चस्व स्थापित होने का एक कारण ये बताया जाता है कि रफी साहब उसी दौरान हज पर गए थे और हज से वापस आने पर उन्होंने कुछ समय के लिए गायकी छोड़ दी थी। दरअसल 1969-1970 के दौरान मोहम्मद रफी हज पर गए थे। बताया जाता है कि वहां मिस्र के शाही इमाम मुफ्ती अल अजहर ने उनसे फिल्मों में गाना न गाने की हिदायत दी और कहा कि इस्लाम में गायकी को हराम माना जाता है। रफी साहब सीधे सच्चे मुसलमान थे, वापस लौट के आए तो गाना छोड़ दिया। उनके इस फैसले से फिल्म जगत का हर इंसान हैरान था। निर्माता, निर्देशक, गीतकार और संगीतकार सब उन्हें मनाने में लगे रहे, लेकिन वो नहीं माने। कहा जाता है कि ऐसे दौर में संगीतकारों ने दूसरे ऑप्शन के रूप में किशोर कुमार को चुना। यही वो दौर था जब राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए। मजे की बात देखिए, जब तक रफी साहब ने गाना नहीं गाया उस दौरान फिल्म फेयर अवार्ड किशोर कुमार को नहीं बल्कि मन्ना डे और मुकेश की झोली में गए। कहा जाता है कि संगीतकार नौशाद ने रफी साहब को दोबारा गाने के लिए मनाया, लेकिन जब तक रफी साहब को अपने गलत फैसले का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि बाद में क्या हुआ तेरा वादा गीत के लिए मोहम्मद रफी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साथ ही साथ अमर अकबर एंथनी और लैला मजनू जैसी कई फिल्मों में गाए उनके गाने खूब हिट रहे और नेपथ्य में जाने के 19 महीने बाद एक बार फिर मोहम्मद रफी ने अपना खोया स्थान वापस पा लिया। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम। इसके बाद वो मरते दम तक गाते रहे, लेकिन वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके और 31 जुलाई 1980 को दिल का दौरा पड़ने के बाद वो इस दुनिया से चले गए। मोहम्मद रफी के निधन पर किशोर कुमार घंटों तक रोते रहे। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की कहानी। कई लोग कहते हैं कि दोनों के बीच बैर था, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, आप किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की गायकी के बारे में क्या सोचते हैं? इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।